दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड़ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज हमारे पास है PH65 डेमोलेशन हैमर मशीन। दोस्तों इस टाइप के हैमर मशीन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो ये माउथ है जो हमने खोला हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं पूरा जो माउथ इसका खुला हुआ है ये बार बार खुल जाता है। इसके जो बोल्ट हैं आगे से जो 6 बोल्ट लगे होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन आज इस हम वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा जो माउथ का कंप्लीट स्पेयर है हमने यहाँ पर खोल लिया है। इसका सॉल्यूशन किस टाइप से करना है, क्या क्या इसमें हमें यूज करना है, तो इसकी पूरी नॉलेज आपको मिलने वाली है। इसके बाद में दोस्तों बिल्कुल ये पूरा फिक्स हो जाएगा, कभी भी पूरी लाइफ टाइम कभी भी इसके जो बोल्ट आप देख पा रहे हैं ये पुराने वाले बोल्ट हैं कभी भी नहीं खुलेंगे। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं नए वाले जो बोल्ट हैं हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, बाकी नए बोल्ट इसमें बड़े हैं तो इनको किस टाइप से लगाएंगे इसके बारे में भी आपको पूरा फिटिंग करके इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप के नॉलेजफुल वीडियो मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले देखिए बोल्ट के अंदर थ्रेड जो होल है कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पर एक पेचकस डालकर यहाँ पर चेक किया, लगभग 2 इंच या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 इंच के समथिंग हमारा होल है। और जो हमारा बोल्ट है पुराने वाले वो बोल्ट हमारे कितने अंदर जा रहे हैं, कितनी थ्रेड है उसकी, तो ये देखिए पुराना वाला बोल्ट है हमारा लगभग 1/2 इंच ही अंदर थ्रेड इसकी कस रही है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये देखिए लगभग 1/2 इंच ही इसकी थ्रेड इसके अंदर जा रही है। तो इसकी जगह हम यहाँ पर ये देखिए 2 इंच का बोल्ट यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये देखिए बोल्ट है हमारा बिल्कुल लगभग 1 इंच के आसपास इसके अंदर चला जाएगा। और जो हमारा इसके अलावा भी हम इसमें इसको लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों देखिए जो हमारा थ्रेड का जो टैब है यहाँ पर देख पा रहे हैं M8.6HS जो इसका साइज है, वैसे इसको आप देसी भाषा में 13 नंबर की जो चूड़ी वाला जो टैब होता है थ्रेड चूड़ी वाला टैब उसको आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर हम सबसे पहले सभी होल के अंदर इस टाइप से लगाएंगे। और इसका ये हैंडल है जो ये भी आपको हार्डवेयर की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। और इसको यहाँ पर इस टाइप से घुमाकर सभी पूरा बिल्कुल इसको जहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें कट है यहाँ पर इतना पूरा जो चूड़ी के अंदर पूरा इसको कस देना है, जिससे अंदर जो थ्रेड कम थी इसमें पूरी थ्रेड बन जाएगी। इसके बाद में जो बड़े वाले बोल्ट हैं इसके अंदर हम इसमें लगा पाएंगे। तो सभी बोल्टों के अंदर हम इसको फटाफट से सभी बोल्टों के अंदर पूरा इसको घुमा देंगे। तो दोस्तों वीडियो फास्ट कर दिया है ताकि ज़्यादा इसके अंदर वक्त नहीं लगे। और यदि थ्रेड आपकी थोड़ी टाइट चल रही है तो इसमें आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो सभी थ्रेड हमारी फटाफट से हो जाएंगी। तो दोस्तों हमारी 6 के 6 जो बोल्ट हैं उसकी थ्रेड है हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। और ये देखिए जो हमारा टूल है ये हमारा, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं साइड में। इसका हमारा जो काम है बिल्कुल हो चुका है, काफ़ी कमाल का आइटम है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों ये देखिए सिंपल आप चूड़ी को भी लगाएंगे तो भी आपके जो बोल्ट खुल जाएंगे। उसके लिए यहाँ पर इसका एक इसमें ये देखिए एक्स्ट्रा हम जो सेफ्टी के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये जो इंसुलेशन है गोदरेज स्मार्ट केयर प्रोफेशनल यहाँ पर देख पा रहे हैं रेफ्रिजरेशन स्पेयर है, रेफ्रिजरेशन वाली हमारी जो शॉप होती है स्पेयर पार्ट्स की उस पर आपको इस टाइप की ये जो इंसुलेशन की जो ये देखिए उपलब्ध हो जाता है। इसके अंदर हमें 2 जो ट्यूब हैं यहाँ पर मिलती हैं, 2 डब्बी मिलती हैं। और इसके अंदर दोस्तों ये देखिए बिल्कुल एल्युमिनियम जैसा केमिकल मिलेगा, ये थोड़ा सूखा हुआ है बाकी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लगभग आधा हम यहाँ पर निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर आता है। और रेट की बात करें तो लगभग दोस्तों 50-60 रुपये के आसपास आपको ये जो इंसुलेशन ट्यूब है हमारी ये मिल जाती है, मिलेगी आपको रेफ्रिजरेशन स्पेयर के पास। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए इसका जो हार्डनर है इसको यहाँ पर खोल लेंगे हम। इसके ऊपर टेप लगी हुई है ताकि ये लीकेज ना करे, फिर भी थोड़ा लीक कर रहा था। इसमें से भी हम लगभग आधा ही हार्डनर इसके अंदर डालने वाले हैं, आधा ही आधा आधा दोनों लेंगे हम, हार्डनर भी और इसका इंसुलेशन भी। तो इसको यहाँ पर पैक करके रख देंगे। ये
इसके बाद में भी वर्क करेगा, बाद में कभी काम आएगा। तो लगभग इतने में हमारा काम हो जाएगा, 6 वोल्टों के अंदर इसको हमें लगाना है। किस टाइप से लगाना है, तो सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद बिल्कुल पतला हो जाएगा, लिक्विड की तरह हो जाएगा बिल्कुल। और ये देखिए इसका बिल्कुल पेस्ट सा बन चुका है। और ये देखिए बिल्कुल हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए इसको थोड़ा छोड़ देंगे और ये जो ये देख पा रहे हैं आगे वाला जो स्लीव है इसको किस टाइप से लगाना है। इस टाइप से नहीं जा रहा है तो आपको बदल कर लगाना है। लगभग जो इसमें हमारा वैक्यूम वाला जो पाइप है अंदर की तरफ, आधा ही इसके अंदर आता है और इसको अंदर की तरफ दबा देंगे। इसके बाद में दोस्तों ये देखिए इसके आगे हमारा जो पार्ट लगने वाला है, ये देखिए पतला वाला जो वाशर होता है इसको लगाएंगे। उल्टा सीधा किस टाइप से भी लगा सकते हैं इस वाशर को आप। यहाँ पर लगाना है आपको जो हमारे ग्लास को रोक के रखता है, और यहाँ पर इस वाशर को लगा देंगे और इसको अंदर की तरफ पुश कर देंगे। अंदर वैक्यूम बना हुआ है इसकी वजह से बैक मार रहा है बार बार। और इस टाइप से ये जो हमारा टूल को रोकने वाला स्टॉपर होता है इसको लगा देंगे। ये आगे से जो इसका माउथ है इसको यहाँ पर आपको लगा दे हैं इस टाइप से। इसको यहाँ पर हम पूरे एक सिस्टम को यहाँ पर लगा कर सेट करेंगे। तो इनको रखते हैं साइड में। उससे पहले यहाँ पर दोस्तों ये देखिए जो हमारा इंसुलेशन है बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो दोस्तों जो नए बोल्ट हैं हमारे 2 इंच वाले बोल्ट हैं उसके ऊपर इनका हम अप्लाई करेंगे। आगे आगे थ्रेड के ऊपर इनको लगा देंगे। 6 के 6 बोल्ट हैं हमारे जो, और सभी बोल्टों के अंदर स्प्रिंग वाशर होना काफ़ी ज़रूरी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये देखिए 6 के 6 बोल्ट हमारे बिल्कुल लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल परमानेंटली ये लग जाएंगे, कभी भी लूज नहीं होंगे, कभी भी नहीं खुलेंगे। तो इसके बाद में दोस्तों ये देखिए माउथ को लगा देंगे, और माउथ को इस टाइप से आपको घुमाकर ऊपर की तरफ कर लेना है, आपको सीधा रखना है ताकि टूल वूल लगाने में भी आपको आसानी रहेगी। और इसके बाद में हम लगाने वाले हैं बोल्ट इसका, जो कि हमने इंसुलेशन लगाकर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए इस टाइप से सभी जो हमारे एलेंग की बोल्ट हैं उनको यहाँ पर लगा लेंगे। तो दोस्तों 5 नंबर की जो एलेंग की होती है 5 mm की, उसका यहाँ पर यूज होता है इस मशीन के अंदर सभी बोल्टों में, जो भी इसके हेड के बोल्ट हैं। तो सभी 6 के 6 बोल्ट हमारे लग चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों इनको पूरा फिट करने, बिल्कुल अच्छे से टाइट करने के लिए एलंकी को आपको इस टाइप से लगाना है। कोई पतला सा पाइप लेना है जिसके अंदर आपकी एलंकी आसानी से आ जाएगी, और सभी बोल्टों की थ्रेड को बिल्कुल पूरा टाइट कर लेना है। यहाँ पर पूरा टाइट करने के बाद में मशीन को आपको लगभग 8 या 10 घंटे के लिए यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा इंसुलेशन है 8-10 घंटे में बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाएगा। उसके बाद आप खूब अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। तो टूल हमारा यहाँ पर लगाकर हमने फिक्स कर दिया है, मशीन हमारी कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल। दोस्तों दी गई जानकारी और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। इसके अलावा इस मशीन के बारे में या किसी भी पावर टूल के बारे में, होम अप्लाइसेंस, कोई भी आपका मोनोब्लॉक के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई उसका जरूर करूँगा। मिलते हैं इसी टाइप के किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर।